नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बिहार त्रिस्तरीय चुनाव लेकर लगातार हमारी टीम्स की यही पहल है कि बिहार में व्यवस्था और विधि कितना बदल पाए। प्रशासन पर लगातार सवाल इसलिए खड़ा उतर रहा है, प्रशासन के निगरानी में ही कुछ कार्य हुआ है जहां पर गुणवत्ता नहीं। बिहार त्रिस्तरीय चुनाव लेकर के लगातार प्रशासन की पहल क्या है, व्यवस्था क्या है, यही लगातार लाइव 24 न्यूज मुद्दा उठा रही है कि आखिर व्यवस्था क्यों नहीं, करोड़ों का फंड आने के बाद भी ठीक ठाक नहीं, तो आखिर क्या है बिहार में। भ्रष्टाचार बढ़ावा इतना बेलगाम हो गया है कि प्रशासन तक पीसी पर काम हो रहा है। क्या ये चीज़ें ठीक है? क्या जनता के फेवर के लिए हो रहा है विकास? सवाल फिर वही है कि विकास के नाम पर लूट। चलिए हम आपको मिलाते हैं मुखिया प्रत्याशी असगर साहब, हमारे साथ हैं सोनता पंचायत से, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं इनसे, क्या कुछ है। सबसे पहले लाइव 24 न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत बड़ा ये है कुर्बानी और दिन है, आप लोग का मीडिया वाले का बहुत बड़ा मुद्दा ये करते हैं। क्या मैनिफेस्टो तैयार किया आपने पंचायत के प्रति और क्या लग रहा है? पंचायत में तो लूट बहुत हुआ, खुलेआम लूटा गया, प्रशासन तो इसमें संलिप्त रहा ही, अब क्या रहेगा आपकी भर्ती और आप क्या चाह रहे हैं? देखिए यहाँ तो पंचायत को ये तो विकास नहीं विनाश हुआ है पंचायत में, लेकिन मेरा मैनिफेस्टो ये है कि हम पंचायत को बढ़िया स्तर से बनाए और बाकी जितना भी आदमी है आज विधा के लिए परेशान है, एक इंदिरा आवास के लिए परेशान है। इंदिरा आवास आता है तो पैसा वाले को मिलता है, इंदिरा आवास कोई गरीब को नहीं मिलता है। मेरा मैनिफेस्टो ये है कि हम सर्वे करके हम जनरल इंदिरा आवास दें गरीबों को। आखिर कैसे देंगे? ये तो प्रशासन के लोग और वैसे लोग हावी रहते हैं, तो हमें शासन कहाँ पे कर पाएंगे? नहीं तो हम जो है ना वो करेंगे उसका, प्रशासन पर चढ़े हुए रहेंगे हम। का डेट में एक वोटर लिस्ट निकालने जाइए, वार्ड का वोटर लिस्ट हो, एक वार्ड का निकालने जाइए, 200 रुपया मारा और ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया कीमत होना चाहिए। तो लुटको तो होता ही है, पूरा लुटको हो रहा है। आप भी मानना कि किशनगंज में अफसरशाही बढ़ गया है? पूरा अफसरशाही छाया हुआ है, पूरा जिला किशनगंज में। आखिर यही इस चीज़ को लेकर लगाम पहले क्यों नहीं लगाया गया? प्रशासन के लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, क्या इन लोग भी प्रशासन पर हावी नहीं हो पाए? यहाँ देखिए प्रशासन क्या हावी होगा, जहाँ हम सुनता पंचायत ने कुछ दिन पहले जाँच करा और ईडीओ साहब मेरा साथ में थे और हाथ से हम साथ नीचे वाला रोड को ये कोर के दिखाए हाथ से और ईडीओ साहब देखा भी, लेकिन जो साहब गए मुखिया जी का घर पर गए, मिठाई खाए अपना वहाँ से, वो बात को खत्म कर दिए। आज मल्ला टोली ये क्या बोलता है मल्ला टोली गाँव, हाँ मल्ला टोली और आमबाड़ी गांव में ये कलवट और ये रोड का शिलान्यास किया हो, उसमें 4,99,000 कितना एस्टिमेट है, उसमें 2,99,000 निकासी के लास्ते इस में कोई काम नहीं हुआ। तो आप लोग ये चीज क्यों नहीं उस टाइम उठाया? तो किए कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है। आप भी मान रहे हैं कि इसमें जो विभागीय एसडीओ है वो भी इसमें चोर है? हाँ सब चोर है, टोटल चोर है, मिला हुआ सब मिला हुआ, कोई कंप्लेंट कीजिए उसका कोई नहीं निकलता है, कोई ये नहीं निकलता है। क्या इन सब चीजों में कैसे लगाम लगाएंगे, कैसे रोकेंगे? लेकिन ऊपर से आएंगे, पटना से आएंगे, बात करके खुलासा बताएंगे, यहाँ कर देंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। क्या इन चीजों पर लगाम लगाने के लिए क्या आपकी उच्च स्तरीय बैठक होंगी, क्या करेंगे? हाँ करेंगे, बैठक करेंगे। करप्शन का अड्डा बिहार में सबसे ज्यादा हुआ है, हालांकि नीतीश शासन काल में ही हुआ है और नीतीश सरकार के रहते हुए भी अगर प्रशासन पर लगाम नहीं लगा पा रहा, कहीं ना कहीं तो सब ने संयुक्त है। यहाँ देखिए प्रशासन जो है सब मिली जुली भगत है, सब टोटल पीछे से ऊपर तक। यहाँ जो कोई भी काम होता है, कोई भी काम के लिए एक मोडेशन करने जाइए जमीन का, तो उसमें आपको 3,000 रुपये लेता कर्मचारी, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, दर दर ठोकर खाता है, जाकर क्या करेगा, जाकर कर्मचारी से पैसा देकर अपना मोडेशन कराता है। एक तो आय निवासी के लिए चाहिए तो 14 दिन दौड़ना पड़ता, बोलो तब बनता है तो आय निवासी। फिर यही चीज तो मैं उठा कह रहा हूँ ना कि इसमें जितना पब्लिक धक्का खा रहा है, तो क्या आप मुखिया असगर साहब कैसे इस चीज पर कंट्रोल कर लेंगे, कैसे? आखिर बहुत लोग दावा करते हैं चुनाव आ गया है इसलिए सब दावे कर रहे हैं कि हम कंट्रोल लगा लेंगे, ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पता चला कुछ भी नहीं होता है फिलहाल। नहीं ऐसे तो हम तो गारंटी देते हैं कि इन साल हम सुधारेंगे इसको बहुत अच्छे से सुधारेंगे। क्या मैनिफेस्टो तैयार कर लिया आपने पंचायत के प्रति? पंचायत के प्रति मैनिफेस्टो ये है कि गली नली जो है आदमी को जो सुविधा नहीं है, अभी देखिए सात इंच वाला रोड हुआ काम, कोई सब रोड बेकार हो गया, कोई काम का नहीं रहा। और मनरेगा से जो काम हुआ लुटाई किया है कि रोड में जन लेके, मनरेगा का ये बात आप कह रहे हैं? मनरेगा में तो सबसे आम खोले आम जेसीबी द्वारा हर कार्य करवाया गया है जी। सोनता पंचायत में कई ऐसे हैं कि जहाँ पे तालाब की खुदाई करवाते रहते रहते जेसीबी से, तो कैसे सुधार होगा? सरकार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रोजगार जो है गरीबों को दिया जाएगा, कहाँ जेसीबी से दिया जाएगा। तो आज जो है ना आज गरीब मजदूर भाई का किसी का भी लेबर कार्ड नहीं है, जो लेबर कार्ड है तो वो प्रतिनिधि अपना परिवार का ही है, बाहर का मजदूर खटाता है अपना परिवार से वो पैसा निकासी करता है। अच्छा ये भी मजदूर को
ये मंडेगा से फायदा नहीं हुआ एक भी पब्लिक को, किसी का जो कार्ड चलाए नहीं, जो नया प्रतिनिधि आया वो अपना कार्ड खोल करके अपना ही परिवार का हिसाब से पैसा निकाला, वो लोग कोई गांव का मजदूर या कोई गरीब आदमी को कोई बीपीएल का लाभ नहीं मिला या मजदूरी का कार्ड लॉकडाउन में 12,000 रुपया दिया, 6,000 करके 12,000 रुपया दिया मजदूरी कार्ड में, लेकिन वो भी पैसा खा गया प्रतिनिधि लोग, आज तक किसी को मिला नहीं, इसलिए मंडेगा कार्ड है ही नहीं किसी का पास, जो है तो प्रतिनिधि का पास अपना पास है, वही कार्ड चला पंचायत में, बाहर का मजदूर से काम किया, अपना परिवार का इससे परिवार का खाता उनके पैसा निकाला, ये काम किया प्रतिनिधि जितना भी है। यही ना चीज़ सवाल है कि आखिर वो चीज़ों पर आप कैसे उतरेंगे, क्या उन लोगों को फायदा दिला पाएंगे जो लोग हम तो कार्ड है, अभी देखिए अभी जॉब कार्ड जैसे ऑनलाइन बन रहा है, तो जॉब कार्ड जो ऑनलाइन बन रहा है ना, तो हर गरीब भाई को हक मिलेगा इसमें, सब मजदूर भाई को हक मिलेगा इसका, मजदूर कार्ड जो बना है अभी पूरा पंच रहेगा, हम जो वादा करते हैं स्वतंत्र पंचायत के अंदर ये जीतने का बाद पहले पंचायत भवन बनेगा नया पंचायत भवन, उसका बाद सिलाई सेंटर 3 रूप लेगा सुनता पंचायत का अंदर, इससे बेरोजगारी दूर हो, हम रोजगार का भी बारे सोच रहे हैं, आदमी सेहत का भी बारे सोच रहे हैं, फुटेमारी हाट पर एक हम 10 बेड का हॉस्पिटल का प्रयास किए हैं, जो फुटेमारी हाट पर एक स्वास्थ्य केंद्र रह करके भी डॉक्टर नहीं पहुंच पाए, हाँ नहीं पहुंचा वहाँ, तो सुधार होगा, आपको सुधार करेंगे, सुधार करेंगे, मुख्यमंत्री से कंप्लेन करेंगे, जाके मिलेंगे, बैठ के मिलेंगे, मिल करके इन मामलों पर खड़ा उतरने का पूरा कोशिश करेंगे, हाँ पूरा हम तैयारी है मिलेंगे एकदम। चलिए असगर साहब, पंचायत वासियों को क्या कुछ कहेंगे, तैयारी तो बहुत लंबा है आपका, और क्या कुछ कहेंगे, अब जो है एनआर कट रहा है, चाहे चुनाव की प्रक्रिया बहुत नजदीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बोर्ड? हम सब अपने पंचायत सबको कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाई, ये बार मौका दीजिए, एक साल तो खत्म हो गया, 4 साल का टर्म बचा हुआ है, इस 4 साल में जितना फायदा लेना चाहते हैं हमसे ले लीजिए, मजदूर तो खटा करके जितना फायदा लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, हर तरह चाहे स्वास्थ्य का बारे हो, चाहे विकास का बारे हो, या किसी मामले का बारे में, हम सब सबसे आगे रहेंगे। एक साल कैसे खत्म हो गया, 5 साल का चुनाव, 5 साल के हो गया, एक साल तो खत्म, मार्च में चुनाव होना था, 6 महीना 6 महीना लेट हो गया, 6 महीना तो टेप ही गया, तो मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि 4.5 साल मिलेगा वो उसमें आप काम, हाँ पूरा करेंगे एकदम, और 23 तक जो जितना विकास का मामला, विकास का काम जो है पंचायत 23 तक कर लेंगे, और 24 तक आने आने तक हम जो निर्मल ग्राम संता पंचायत को बनाएंगे, ये आपने ठान लिया? हाँ ठान लिया एकदम हमने। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, धन्यवाद आप लोग को भी। ये थे मुखिया प्रत्याशी असगर आलम, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा और सीधे कह रहे हैं कि सुनता पंचायत में लूट हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 7 निश्चय योजनाओं को लेकर जांच करवाया गया, किशनगंज प्रशासन की ऐसी लापरवाही है, यहाँ तक कि एसडीओ द्वारा जांच करवाया गया, एसडीओ साहब आते हैं उसके बाद क्या होता है, जांच की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किशनगंज प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, जिला पंचायती राज भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कहाँ सुधार करें, लोग किससे गुहार लगाए, व्यवस्था के नाम पर लूट हो रही है, सब प्रशासन से यही सवाल खड़ा उतरता है कि प्रशासन की मिली जुली के वजह से व्यवस्था ठीक नहीं है। लाइव 24 न्यूज को हमारे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मिनट रहो, क्या कहेंगे जी? बोलिए। ये खाने का मतलब ये है कि आज कहा 10,000 रुपया का मिट्टी गिरा करके वहाँ 4 लाख ने बेजा का बोर्ड लगाया, कोबरिस्तान में जब 50 टेलर मिट्टी गिरा करके 9 लाख का बोर्ड लगाया, ये लोग वही कहा धंधा किया पूरा प्रतिनिधि लोग, लूट मंडेगा पैसा वो लूट लिया, कोई विकास नहीं हुआ, संथा पंचायत अंदर रियल में 5 लाख का भी काम नहीं हुआ मंडेगा से, लूटा खूब जमकर, हाँ जम के लूटा। यही सवाल उधर रहा है कि आखिर विकास के नाम पर लूट हुई है, इसका जिम्मेवार कौन? कैमरा पर्सन सूरज शाह के साथ लाइव 24 न्यूज के लिए किशनगंज से मिन्हाज आलम।